मुरादाबाद में 8 से 15 दिसंबर तक मनाए जाने वाले अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह के क्रम में बुधवार को मुख्य विकास अधिकारी सुमित यादव और ज्वाइंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज योगेश कुमार ने कई विभागों के अधिकारियों के साथ पीतल नगरी मुरादाबाद के अनेक क्षेत्रों में भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने मुरादाबाद के पीतल मजदूरों और दस्तकारों द्वारा तैयार किए जा रहे पीतल और एल्युमिनियम के तमाम आइटम्स को देखा और परखा, साथ ही दस्तकारों के हुनर की प्रशंसा भी की। बुधवार को सभी अधिकारी हस्तशिल्प जन कल्याण सोसाइटी के दौलत बाग स्थित प्रदेश कार्यालय पर पहुंचे, जहां सोसाइटी के संस्थापक और प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद ताहिर और पीतल मजदूरों के तमाम संगठनों के प्रतिनिधिगण आजम अंसारी, हाजी अनवर अब्बासी, अनवर अली सिद्दीकी, अफजाल अब्बासी, अकबर अली अशरफी, नजाकत हुसैन अंसारी तमाम लोगों ने अधिकारियों का जोरदार स्वागत किया। यहां उन्होंने अधिकारियों को क्षेत्र के तमाम कारखानों को दिखाया, जहां अधिकारियों ने पीतल की भट्टियों पर काम करने वाले मजदूरों के हुनर को देखा और उनकी समस्याओं को सुना। आज जैसा ही शिल्पी शिविर जो चल रहा है पूरे वीक का ये कार्यक्रम है, इसमें हर जगह हर दिन नए नए मोहल्लों में हो रहा है, तो आज हमारे द्वारा यहाँ पे और GMDIC जो है ज्वाइंट कमिश्नर DIC इनके द्वारा यहाँ विजिट किया गया है। हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि कैसे जो है हमारे जो कारीगर हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, यहाँ जो भट्टियाँ हैं उनकी कंडीशन क्या हैं, क्या समस्याएँ आप लोगों को यहाँ पर फेस हो रही है, आप लोगों की समस्याएँ सुनी गई हैं, इसके बाद जो समाधान हम लोगों की तरफ से किया जाएगा, मतलब जो हम पॉसिबल होगा वो हम लोग समाधान करेंगे। किस तरह की समस्याएं सामने आई? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमें देखने को लगा वो तो प्रदूषण की ही है, कि अभी जैसा हम दिखा रहे थे कि वहीं लोग काम कर रहे हैं, वहीं पे खाना खा रहे हैं, वहीं पे बैठते हैं, तो जो प्रदूषण है उसकी काफ़ी बड़ी समस्या है यहाँ पर, और उसी का समाधान करने के लिए भी एक ऑल्टरनेट भी आया है सिडबी की तरफ से कि हम गैस फर्नेस की तरफ मूव करें। उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो हम लोग अभी वर्कआउट करेंगे कि कितनी जगह होनी चाहिए, क्या डिज़ाइन होना चाहिए, ताकि आप लोगों का भी कोई नुकसान ना हो और जो है प्रदूषण के कारण जो समस्याएँ हमारे जो भाई लोग काम कर रहे हैं उनको आती होगी, वो समस्याएँ भी उनको ना आए आगे से।